राज्य सरकारने दुष्काळाच्या मदतीसाठी केलेल्या उशिरामुळे अजूनही केंद्राची मदत राज्यात पोहोचू शकलेली नाही अशी माहिती आज केंद्रीय कृषी मंत्री राधामोहन सिंग यांनी दिली आहे. अशोक चव्हाण यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर लोकसभेत हे उत्तर देण्यात आलं. कर्नाटक सरकारनं आधी प्रस्ताव पाठवला त्यामुळे त्यांना 1500 कोटी रुपयांची मदत केली. महाराष्ट्रात केंद्राच्या पथकानं नुकतीच भेट दिली. हे पथक कालच दिल्लीत आलंय. येत्या 2-3 दिवसात मदतीची रक्कम जाहीर होईल असंही कृषी मंत्र्यांनी सांगितलंय. केंद्रीय कृषी मंत्र्यांच्या उत्तरानं महाराष्ट्राचा प्रस्ताव उशिरानं पोहोचल्याचं उघड झालं. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया टीम्स हॅव गॉन लास्ट 6 मंथ आर गोइंग कंटिन्यूअसली व्हाय द मिनिस्टर शवाती महोदय ये जो और जो ये मोर देन 3000 पीपल आर कमिटिंग सुसाइड्स इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया टीम्स हॅव गॉन लास्ट 6 मंथ आर गोइंग कंटिन्यूअसली व्हाय द मिनिस्ट्री इज सिटिंग ओवर दिस इश्यू एंड व्हेन आर दे गोइंग टू रिलीज हिज ओन स्टेटमेंट. माय क्वेश्चन इज व्हेन आर दे व्हेन द मनी इज गोइंग टू बी रिलीज टू द स्टेट गव्हर्नमेंट टू ओवरकम द सिचुएशन व्हिच हैज बीन अराइजन ड्यू टू स्केर्सिटी इन महाराष्ट्र. महाराष्ट्र से टीम कल लौट कर आई है और टीम में विभिन्न मंत्रालयों के सदस्य होते हैं, 6-7 मंत्रालय के सदस्य होते हैं. 2-3 दिनों के अंदर उनकी बैठक होगी और उनका अनुशंसा हाई लेवल कमेटी जो गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में है जिसमें वित्त मंत्री सदस्य है, मैं भी हूं और मैं पूरा विश्वास दिला रहा हूं कि महाराष्ट्र को भी पूरी सहायता दी जाएगी. अक्टूबर 2015 का अनाज ये महीने अक्टूबर के 28-29 तारीख को वहां के लोगों को मिला. आज सारे कोई भी किसानों को उनके कर्ज का पुनर्गठन वहां के बैंकों ने किया नहीं है तो किसानों के सामने एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या निर्माण हो चुके. केंद्रीय टीम कई बार सिर्फ जाती है आती है लेकिन महाराष्ट्र के इस जिले के लोगों को सहायता नहीं मिली है. मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को पूछना चाहता हूं महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के लातूर उस्मानाबाद बीड जालना और उसी के साथ बाकी के जो जिले जहां अकाल घोषित किया है इस अकाल घोषित प्रभावित एरिया के किसानों को मदद करने के लिए फल बागायतदारों को मदद करने के लिए केंद्र शासन इसी हफ्ते में अपना निर्णय लेकर उनको क्या क्या और कौन सी मदद करेंगी. दरम्यान एकनाथ खडसे यांच्या मते केंद्राने आधीच 900 कोटी रुपये दिल्याचं त्यांनी सांगितलंय. राजनाथ सिंग जी यांच्याशी मी कालही चर्चा केली आतावी त्यांच्याकडे खातं आहे तेवढा असा कुठलाही राज्य सरकारकडून प्रस्तावाला विलंब झालेला नाही आणि केंद्रीय कृषी मंत्र्यांनी पण असं काही म्हटलेलं नाहीये की राज्य सरकारकडून त्यांनी उलट या आधी 900 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.